और वहीं हांगकांग में गणेश चतुर्थी के मौके पर भारतीय मूल के लोगों की तरफ से इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाया गया। चॉकलेट के गणपति की स्थापना के 3 दिन के बाद दूध में मूर्ति का विसर्जन किया गया और प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया गया। गणेश उत्सव के आयोजक राजू सबनानी ने सभी भारतीयों से इसी तरह से इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। गणपति बापा मोरिया के जयकारों के साथ में गणेश उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और हांगकांग में ये गणेश उत्सव, देखिए इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इसको कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर चॉकलेट के गणपति बनाए गए हैं और जो उनका विसर्जन वो दूध में और उसको प्रसाद के रूप में वितरण भी यहां पर किया गया। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इसको कहा जा रहा है जो कि हांगकांग में मनाया गया। चॉकलेट के गणेश जी दूध में विसर्जन उनका किया गया, प्रसाद के रूप में उसके बाद वितरित किया गया। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने अनोखे तरीके से यहां पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। अपार श्रद्धा यहां पर और भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और ये भव्य नजारा अपने अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लिए देखिए कितने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव यहां पर मनाया गया।